बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट में हुई हिंसा पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली हिंसा के मुद्दे पर बोलते हुए भावुक हो गई। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर CM ममता बनर्जी को जमकर घेरा। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में पिछले दिनों हुई कथित हिंसा के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाया और भावुक होते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लगी। गांगुली ने बंगाल हिंसा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वीरभूम जिले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया, अब राज्य की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं रह गया। भावुक होते हुए गांगुली ने कहा, झालदा में काउंसिल मरता है, 7 दिन के अंदर 26 हत्याएं होती हैं, 26 राजनीतिक हत्याएं आग से जलाकर खत्म कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि पहले सभी के हाथ पैर तोड़े गए और फिर कमरे में बंद करके जला दिया गया। उन्होंने कहा, वहां एक एक कर लोग भाग रहे हैं, वहां पर लोग जीने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है, हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए, हमें जीने का हक है। आज पश्चिम बंगाल के विषय में और ऐसी बातें करने हैं जहां बातें करते हुए सर झुक जाता है, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। कितने संख्या मरे, अगर कितने संख्या मरे यहां से शुरू करूं तो सिर्फ 8 ही है इस बार सर, सिर्फ 8 है। 2 बच्चे हैं और बाकी लोग हैं, बाकी 4 तो बस अभी आग से झुलस के अभी अस्पताल में भरे हैं जहाँ पर बर्न यूनिट नहीं है। ज़्यादा नहीं मरे सर, ज़्यादा मरने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जला के मारा जाता है, बात यह है कि इलीगल बंदूकें रखा जाता है, बात यह है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, बात यह है अनीस खान मरता है तो सिर्फ और सिर्फ CBI मांगता है, बात यह है कि पानी हटी में झालदा में काउंसिलर मरता है, 7 दिन के अंदर 26 पॉलिटिकल मर्डर इसको लेकर आग से झुला के खत्म कर दिया है सर। पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट आया 2 दिन पहले, उसके बाद आया कि पहले उनको हाथ पैर तोड़ा, उसके बाद एक बंद करने में घुसा कर मार के जला दिया। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के वीरभूम जिले में हुई हिंसा को लेकर CM ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो वीरभूम में हुआ वो बताता है कि राजनीतिक पार्टियां उस राज्य के मुसलमानों के नाम पर वोट लेती हैं, लेकिन उनको ना शिक्षा और ना कलम देती हैं, बल्कि उनके हाथों में बम थमा देती हैं। जो भी वीरभूम में हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ओवैसी ने कहा कि राज्य सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। जो कुछ वहां पर हुआ है वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उस स्टेट के, उस प्रदेश के मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करती है। वो उनकी उनके नाम पर वोट तो ले लेती है मगर उनको अपना फुट सोल्जर्स बनाती है, उनको ना शिक्षा देती ना कलम देती, बल्कि उनके हाथ में बम देते हैं। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में एक ही पार्टी के 2 ग्रुपों में इतना बड़ा हादसा हुआ, 8 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई जिसमें बच्चे भी मारे गए, आपको तलवार और बंदूक दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल में हुआ है वो कंडेमनेबल है, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की उस वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई और पूरा देश जानता है, लोग जानते हैं कि वो एक सैंड माफिया और ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ का एक झगड़ा है और इसीलिए ये सब तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं और हाईली कंडेमनेबल है वो जो भी वायलेंस हुआ है वहाँ। बता दें कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मिली और मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। विपक्षी पार्टियां जहां राज्य की ममता सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं TMC भी अपना बचाव करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।